तो यो यू गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पे हमारे गेम के अंदर फोर्थ एनिवर्सरी का जो इवेंट है वो फाइनली आ चुका है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी जिग्सॉ के बारे में, कि आप लोग मेमोरी जिग्सॉ को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी के साथ साथ हम लोगों को मेमोरी जो जिग्सॉ है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइज, मेमोरी जिग्सॉ जो हमारा इवेंट है वो फाइनली हमारे गेम में आ चुका है, जहाँ पे से आप लोगों को सारे के सारे जो मेन रिवॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक आप लोग देख सकते हो, मेन जो आपका रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा यहाँ पे फोर्थ एनिवर्सरी के सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लोग ग्रैंड प्राइजेस देख सकते हो। बात करते हैं फ्रेगमेंट बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट बॉक्स में आप लोग किसी को गिफ्ट कर सकते हो, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो ये वाले जो टोकन्स है। अगर आपको किसी के पास से चाहिए तो आप लोग मांग सकते हो और रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। गिफ्ट और रिक्वेस्ट दोनों आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को 3000 गोल्ड मिलेगा, उसके बाद जूता मिलेगा मेन जो बंडल होगा उसका। उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड वॉर्ड भी आप लोग सारे के सारे चेकआउट कर सकते हो। एकदम लास्ट में आप लोगों को जो बंडल होगा वो पूरा का पूरा धीरे धीरे करके मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो ये वाला टैप टू यूज़ फ्रेगमेंट, मतलब यहाँ पे चार टोटल आप लोगों को फ्रेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये फ्रेगमेंट जो है आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। ये फ्रेगमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे अब मैं आप लोगों को वो चीज़ बता देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का जो फ्रेगमेंट रॉयल है, मतलब एक जो ये जो इवेंट है ना, एक दूसरे के ऊपर बेस्ड इवेंट है। मतलब एक आप लोग इवेंट कंप्लीट करोगे तब जाके दूसरा कंप्लीट होगा। मानो यहाँ पे फ्रेगमेंट से आप लोगों को रिदम फाइट, रिदम फ्रेगमेंट ये चारों ही रिदम फ्रेगमेंट के अलग अलग कलर्स है। तो इनको आपको यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो ब्लू बॉक्स है आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वाला जो इवेंट है आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये वाला इवेंट कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को बस मैंने पिछला वाला वीडियो देख लेना है। वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों को डायनामिक टोकन कैसे मिलेंगे अनलिमिटेड, जिसका यूज़ करके ही आप लोग जो है ये वाला जो मेमोरी जिग्सॉ है इसको कंप्लीट कर सकते हो। मेमोरी जिग्सॉ में आप लोगों को ये वाला जो फ्रेगमेंट्स होंगे ये फ्रेगमेंट का ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को 12 फ्रेगमेंट लगेंगे। मेमोरी जिग्सॉ इज कंपोज्ड फोर सेक्शन, मतलब चार सेक्शन से अलग अलग इस सेक्शन में 12 फ्रेगमेंट लगेंगे। तो रिसीव रिवॉर्ड्स व्हेन अ सेक्शन लिट अप, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट आर यूज्ड, लाइट अप ऑल सेक्शंस टू अनलॉक द ग्रैंड प्राइजेस। मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे 12 फ्रेगमेंट्स आप लोगों को एवरी फ्रेगमेंट पे लगेंगे। मतलब यहाँ पे आप लोग 12 इस तरीके से करते लगेंगे। मतलब एक यहाँ पे यूज़ हो गया इस तरीके से, दो तीन करके यूज़ होगा। देखो मेरा यहाँ पे एक फ्रेगमेंट यूज़ हो गया इस तरीके से, मुझे यहाँ पे टोटल 12 जो है यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक मेरे पास ये जो है ना, मुझे एक मिला हुआ था पहले से, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये जो टोकन्स है मुझे 12 कलेक्ट करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे टोकन्स मुझे 12 करके कलेक्ट करने पड़ेंगे। इस तरीके से 48 टोकन्स हो जाएंगे। 48 टोकन्स हो जाने के बाद मुझे ये वाला सारे के सारे जो रिवॉर्ड है धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। आपको बस इन टोकन्स को फ्रेगमेंट रॉयल का जो वो बॉक्स है उससे कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके चलते आप लोगों का जो ये वाला पूरा जिग्सॉ है ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप लोगों का जो लास्ट रिवॉर्ड होगा आप लोगों को वो मिल जाएगा और ये वाला जो इवेंट होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना तो आप लोग किसी अपने फ्रेंड से यहाँ पे रिक्वेस्ट करके मांग भी सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सेंड भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और इस तरीके से आपका ये जो इवेंट है कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग धीरे धीरे करके आपका जो बंडल है उसको ले पाओगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर देना। इस तरीके से मेमोरी जिग्सॉ आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड पीस आउट। I'm facing it all, fearless.